मंदिर विभाग दर्शकों, आज मैं आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगा जिसमें चंद्र कुंडली में यदि शुक्र एकादश स्थान में होता है तो उसका क्या फल मिलता है, उसके बारे में कहा गया है। यह मंदिर इस प्रकार से है, चंद्रा एकादशे शुक्रो जन्म काले यदा भवे बहुआविष्ट भवे पुंसो ऋतु रोग विवर्धता। अर्थात जिस जातक की चंद्र कुंडली में शुक्र एकादश स्थान में होता है, 11वें भाव में होता है, ऐसा जातक दीर्घायु होता है, ऐसे जातक की आयु बहुत ज्यादा होती है और ऐसा जातक ऋतु रोग विवर्धता अर्थात रोग और शत्रु से रोगी होता है। यानी कि ऐसे जातक को जीवन में कभी भी गंभीर रूप से रोग का सामना नहीं करना पड़ता और ऐसे जातक के शत्रु नहीं होते। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपको दैनिक राशिफल बताया, राहु के अशुभ प्रभाव दूर करने के उपाय बताए, विशेष में आज हमने चंद्र और उससे संबंधित व्यवसाय के बारे में जाना, मंत्र विभाग में आज हमने ऐसे मंत्र के बारे में जाना जिसमें चंद्र कुंडली में यदि शुक्र एकादश स्थान में होता है तो उसका क्या फल मिलता है, उसके बारे में कहा गया है। मैं आशा करता हूँ आज बताई गई सभी बातें आपको दैनिक जीवन में वास्तविक रूप में उपयोगी होगी। आप सबका आज का दिन शुभ रहे, आने वाला समय अति शुभ रहे, ऐसी आशा और प्रार्थना के साथ मैं भारत जावे आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।